हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आइटम का रिमार्क आप कैसे डालें। जब भी आप बिलिंग करें, बिलिंग के टाइम पे एक ऑप्शन है जिस ऑप्शन को यूज करके आप पर आइटम पे अपना रिमार्क लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि उस आइटम पे हमें कुछ मेंशन करना है या उस आइटम पे कुछ रिमार्क हमें डालना है और वही रिमार्क हमारे प्रिंट आउट में भी शो हो जाए, ताकि उस कस्टमर को जो भी हम बताना चाहते हैं, रिमार्क डालना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं, वो प्रॉपर वे में उसको दिख जाए। तो ये कैसे करना है सॉफ्टवेयर में, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका कोई सा भी ट्रेड हो, चाहे आपने मार्क सॉफ्टवेयर में किसी भी ट्रेड में बिजनेस बनाया हो, कंपनी बनाई हो, या किसी भी तरीके के आपने आइटम को क्रिएट किया हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल होता है। आप रिटेल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, सबके लिए। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे होलसेल कर लेता हूँ और मैंने कैश में होलसेल किया और यहाँ पे कुछ आइटम आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये बेल्ट है। अब मैं इस पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरीके से लोड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर कुछ रिमार्क डालना चाहूँ तो मुझे आना पड़ेगा क्वांटिटी पे। अब जैसे ही मैं क्वांटिटी पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे F2 प्रेस करना है। अब जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास रिमार्क्स ओपन हो गए हैं। अब जैसे दोस्तों ये मेरा आइटम जो है बेल्ट है, अब इसमें जो भी मैं रिमार्क डालना चाहूँ, जैसे ये 1.6 मीटर है और ये है नॉर्मल, इस तरीके से जो है मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो आपको जो भी नीड है, आपके पास दो जो है रिमार्क के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पे एंटर एंटर करेंगे और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और उसके बाद जैसे हम इसको इनवॉइस पे देखेंगे तो हमें इनवॉइस पे भी ये मेंशन होके मिलेगा। अब ये देख पा रहे हैं आप, आपको यहाँ पे मेंशन होके मिल जाएगा। अब ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट कहीं भी प्रिंट, यानी कि सबसे आगे ही ये प्रिंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर आइटम के नीचे यहाँ पे प्रिंट हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है बिल फॉर्मेट में काम कराना होता है। इसके लिए दोस्तों आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करें और जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, हो सकता है कि इसके लिए वो चार्ज भी ले सकें या हो सकता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे दें, तो इसके लिए आपको उन्हीं से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।